ये देखिए, सबसे पहले 15 इंच की हमारी ब्लाउज की लंबाई है, तो 16 पर एक निशान लगाएंगे। अब क्योंकि ये स्टैंड कॉलर का ब्लाउज है यानी हाफ कॉलर का, तो इसका जो मोंडा रखेंगे हम 6.5 इंच पर रखेंगे और लंबाई देखिए 16 पर है, तो हम सबसे पहले इसका एक निशान उठा लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से सीधी मार्जिंग लगा लीजिए, सीधी मार्किंग लगा लीजिए। और यहाँ से देखिए, हम पहले बैक काटेंगे। हम कभी भी ब्लाउज़ का बैक पहले काटते हैं, ना कि उसका फ्रंट, और दोनों ही पल्ले हम अलग अलग काटते हैं, बैक और फ्रंट के। तो इस गले की हम चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। यहाँ पर शोल्डर हमारा आएगा 14.5 है, तो हम 15 इंच रखेंगे। एक हेम्बर मार्किंग रहेगी, ये हमने मार्जिंग पर निशान लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम 1.25 इंच आगे बढ़ा देंगे स्टैंड कॉलर के लिए। बैक को इस प्रकार से तिरछा एक निशान लगा लीजिए। अब इनका चेस्ट कितना था, 39, और 1 इंच हमने इस पर लूजिंग डाल दी है, तो ये हो गया है 40 इंच। तो 40 का हम 1/4 10 इंच आएगा, तो 10 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। जैसे देखिए 40 इंच है, तो 1/4 आएगा इसका 10 इंच, तो 10 पर एक निशान लगा लिए हैं। 1.5 इंच इसकी मार्जिंग रख देंगे हम साइड पर। अब देखिए 29 इंच कमर है, तो 7.5 इंच आएगा इनका बैक का निशान, और 1.25 इंच हम इस पर डाच लगाएंगे। डाच के लिए हम इस पर 1/2 इंच ज़रा बड़ा रखेंगे, और 1.5 इंच की हमारी मार्जिंग। यहाँ से इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 7.25 इंच आ रहा है, तो हम 4.25 पर एक निशान लगा लेंगे। ये होगा हमारा डॉट का निशान। डॉट इस पर रखेंगे हम 5 इंच का। कॉलर वाला है इसलिए हम थोड़ा लंबा रखते हैं डॉट का निशान, और ये 1/4 इंच। अब ये जो शोल्डर होता है, इसे हम हल्का सा 1/2 इंच डाउन करेंगे इस प्रकार से। ये कॉलर ब्लाउज की कटिंग है, आप ध्यान दीजिएगा। और ये हमने निशान लगा दिया। अब जो इसका जो दबाव होगा वो यहाँ से आएगा। ब्लाउज़ का जो दबाव रहता है लगभग 1.5 हेम्बर करीब में बाहर से रहता है। ये देखिए, इसे हम नापते हैं यहाँ से इस प्रकार से गुलाई करते हुए, तो ये हमारा 16.25 इंच आ रहा है आर्म होल, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा नाप आ गया है। आप भी इसी प्रकार से निशान लगाएं। और देखिए, अब बैक पर हम इसे लगभग 1 इंच डाउन करेंगे इस प्रकार से, और बैक गले का भी हम निशान यहीं पर उठा लेंगे। अब इस गले पर हमें डिजाइन का गला बनाना है। 1.5 इंच नीचे एक मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच नीचे मार्किंग करने के बाद यहाँ से 9 इंच का हम एक गले का डिजाइन बनाएंगे। जिस गले की डिजाइन देखिए हम किस प्रकार से बनाते हैं, और यहाँ से इस प्रकार से इसे आप इस प्रकार से डिजाइन में गला कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत लगता है गला। तो आगे कॉलर रहेगी, पीछे इस तरह का डिजाइन वाला ब्लाउज रहेगा। इस पर हार्ट शेप, कोई भी शेप हम बना सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये गले की भी कटिंग कर लेंगे हम इसी प्रकार से। अब देखिए, ये हमारा बैक कट कर तैयार हो गया है। अब हम इसकी फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, और हमारे जो नाप के हिसाब से भी हम कई बार बताते हैं कि 40 इंच का 1/4 आ रहा है 10, तो इसका जो टक्स आएगा, बस्ट पॉइंट आएगा 11 इंच पर, और 3 इंच में इस पर हम बढ़ाकर इसकी क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे 14 इंच पर।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस तरफ हुक हाई पट्टी बनाना है तो आप डेढ़ हेम्बर का एक मार्जिंग लगा लेंगे और डेढ़ हेम्बर के बाहर से इस फर्मे को आप यहाँ रख लीजिए इस प्रकार, और इसकी आप यहाँ से ड्राइंग कर लीजिए जैसे ये आई हमारी। और ये जो बैग हमारा यहाँ कटा हुआ है उसी के हिसाब से एक यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरफ भी आप यहाँ से मार्किंग कर लीजिए। आप ध्यान दीजिए कि लगभग हमें 1.25 इंच करीब इसे बढ़ाना है, इतना। ये हम फ्रंट जब भी बनाते हैं तो 1.25 इंच पीछे बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं कि जो हम यहाँ पर डाच डालते हैं एक टक्स, उस पर 1.25 इंच कपड़ा अधिक आता है, तो आप 1.25 इंच यहाँ पर मार्जिंग बढ़ा लीजिए। अन्यथा आप कभी भी इसके बराबर यदि काट लेंगे तो आपका ब्लाउज़ में मार्जिंग कम हो जाएगी, फ्रंट छोटा हो जाएगा। तो आप इसे हटा देते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पर 14 इंच रखा हुआ है ये निशान, आप यहीं से इस तरफ ले आइए और इस निशान को ले जाइए 13 इंच पर, 1 इंच कम कर दीजिए। बड़ा सिंपल कटिंग करने का तरीका है हमारा, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। और इसी तरह से ये जो बैक का शोल्डर है यहाँ से 14 इंच पर एक निशान लगा लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो नीचे की तरफ है हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, जो कि हम सेंटर में एक डाच देंगे 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच वहाँ पर बढ़ाना है और 1.25 इंच करीब में ऊपर बढ़ाना है। ये मार्जिंग को आप ध्यान दे दीजिए, ये फ्रंट काटते वक्त ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो ब्लाउज़ में जब आप बनाने बैठेंगे तो ये कपड़ा कम पड़ जाएगा। इसे हटा लेते हैं यहाँ से और ये देखिए इस प्रकार से एक निशान यहाँ लगा लीजिए। इसका बस्ट पॉइंट आएगा हमारा 11 इंच पर यहाँ पर, ये देखिए ये हो गया। और यहाँ से हम रखेंगे इसको 4.25 इंच पर। 4.25 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने मार्जिंग इस पर छोड़ दी है हुक हाई पट्टी के लिए, और यह देखिए यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार से रख लिया। ये हमारा 1.5 इंच का ब्लाउज का पॉइंट आ गया। यह देखिए ये 1.5 इंच जो हमने यहाँ बढ़ाकर रखा था, इतना इतना हमें डाच के लिए चाहिए। तो ये चीज़ें आप पहले ही ध्यान रखिए। और दोस्तों कई बार हमारे पास कंप्लेंट आ रही है कि दो सर 38 साइज का ब्लाउज़ की कटिंग बताइए, 34 का बताइए। तो मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आप क्या कीजिए, हमारे जो चैनल पर 130 वीडियो करीब डले हुए हैं, तो आप पीछे बैग में भी वीडियो डले हुए हैं उन्हें भी देखा कीजिए। और उनको देखने का आसान तरीका है, जहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है हमारे चैनल का जो लोगो आएगा उसके ऊपर दबाइए और वीडियो पर चले जाइए, आपको सभी वीडियो हमारे मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो भी अवश्य देखा कीजिए। यहाँ से 6.5 पर इस प्रकार निशान लगा लिया हमने, और ये अब इस पर जो गला आप चाहो तो ये पैक गला भी बना सकते हो यहाँ पर, डिजाइन गला भी बना सकते हो यहाँ पर, कोई भी गला इस कटिंग पर बन जाता है और ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर का भी एक डॉट का निशान लगाएंगे इस प्रकार से, एक डॉट हमारा यहाँ जाएगा इस प्रकार से। इस डॉट को निकालने में भी काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग, तो ध्यान दीजिए ये जो डॉट है हमारा यहाँ से लगभग 1.25 इंच ऊपर आप इस प्रकार से एक निशान लगा लीजिए और हल्का सा तिरछा करते हुए इस प्रकार से यहाँ निशान लगा लीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगा लीजिए एक, और एक निशान इसी तरह से 2 इंच पर इस तरफ लगा लीजिए, और यहीं से इस तरह से 2.75 इंच पर एक निशान इस डाच से इस डाच के बीच में रख लीजिए। ये हमारे चारों डाच आ गए हैं। इसी प्रकार से डाच का निशान उठाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दबेगा हमारा 0.25 इंच कपड़ा यहाँ पर और इस जगह, ये 3 इंच के डाट की भरपाई कर देगा बिल्कुल बराबर। तो आप इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस प्रकार से एक सीधी मार्किंग लगाएंगे, ये देखिए
ये लगा दी, एक मार्किंग सीधी यहाँ से लगा लीजिए और इसे थोड़ा अंदर करते हुए मार्किंग लगा लीजिए। अब देखिए ये हमारा फ्रंट बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए बस्ट पॉइंट हमने इसका रखा था 11 इंच पर और इस जो क्रॉस पट्टी की कटिंग हमने करी है 14 इंच पर, 10 इंच इसका फ्रंट है, फ्रंट 10 इंच का 4 इंच बढ़ा दिया तो ये 14 इंच पे कटिंग आ गई है। इसमें कोई मार्जिन नहीं देना है आपको, हमने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा दिया था। देखिए इस प्रकार से बैक को रखा हमने लोगों ने, 1.5 इंच इस तरफ बढ़ा दिया, 0.25 इंच यहाँ बढ़ा दिया। ये बढ़ाना आपको ज़रूरी है, यदि आप नहीं बढ़ाओगे तो आपके ब्लाउज़ में मार्जिन कम हो जाएगी और ब्लाउज़ बन नहीं पाएगा बराबर। तो आप इस प्रकार से बराबर कटिंग कीजिए। ये देखिए, और इसे भी हम नीचे तरफ उतार देंगे। अब यहाँ पर जो डाच लगेगा ये देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर हम 1.5 डाट लगाते हैं। आपको ध्यान देना है जब भी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे आप तो इस प्रकार से एक स्टेपलर लगा दीजिए यहाँ पर और बैग को रख लीजिए। देखिए ये मैंने बैग रख लिया है, अब इसे यहाँ रख लीजिए इसी प्रकार से। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसे हमने यहाँ रख लिया है। ये फर्मा है इसीलिए आपको कंप्लीट कटिंग करना है। ये 0.25 इंच नीचे और उतरेगा आर्म होल, ये देखिए इस प्रकार से। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्या होता है आस्तीन चढ़ने के बाद फ्रंट हमारा बढ़ जाएगा ऊपर और आस्तीन का बैक छोटा हो जाएगा। तो कोई तकलीफ ना आए उसके लिए आप पहले ही कटिंग कर लीजिए। अब हम इसकी करेंगे क्रॉस पट्टी की कटिंग। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से क्रॉस पट्टी का नाप उठा लीजिए कितनी बड़ी हमें क्रॉस पट्टी लगनी है। ये देखिए यहाँ से हमने नाप लगाया। अब इस पर क्या होगा, इतना हमारा नीचे दबेगा तो हमारी जो क्रॉस पट्टी रहेगी उसका भी इतना ही कपड़ा हमारा नीचे दबेगा। तो यहाँ से देखिए आप, और इस तरफ भी इतना कपड़ा हमारा इसका भी दबेगा और क्रॉस पट्टी का भी दबेगा, तो यह आधा इंच कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ये हमारा आ रहा 2.5 इंच और यहाँ से आ रहा 3.25 इंच, तो हमें क्रॉस पट्टी की चौड़ाई 3.25 इंच कटिंग करनी होगी। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए इस बात को। तो फ्रंट की साइड ये हमारी कटेगी 3.25 इंच, यानी लगभग आधा इंच बढ़कर, और इस तरफ हमें रखना है 3.25 इंच यहाँ पर, और इसी के बराबर यहाँ पर देखिए हमने इस प्रकार से निशान लगा दिया। अब यहाँ रखना है हमें 3.25 इंच के करीब, हम 4 इंच रख लेते हैं इसे और इस निशान को सीधे लगा लेते हैं। अब हमने ये ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारा जो डाच का निशान रखा था 4.25 इंच पर रखा था, तो यहाँ से हम 4.25 पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से हल्की हल्की गुलाई देते हुए क्रॉस पट्टी की ड्राइंग मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारी कट जाएगी क्रॉस की पट्टी, यह देखिए इस प्रकार। अब दोस्तों इसे हम यहाँ पर से कटिंग कर लेंगे और ये देखिए यहाँ लगाकर आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ रख लिया हमने तो हमें इसे थोड़ा सा तिरछा करना है इस प्रकार से। देखिए यहाँ से हम लंबाई रख रहे हैं। अब ध्यान देना है कि आस्तीन का मुंडा हमारा है
ये देखिए, ये आस्तीन का जो आर्म होल मुंडा है उसे हम काटते हैं। पहले हम इसे रखेंगे 3.25 इंच पर, और हमने आपको बताया था कि इसका बाइसेप है 7 इंच, तो ये 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हम 1.5 इंच आगे बढ़ा देंगे। यहाँ से इसे डायरेक्ट 3.25 पर एक ड्राइंग उठा लेते हैं, ये देखिए, और एक ड्राइंग हमारी ये ऊपर की तरफ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लगभग आधे पर यानी 3.5 इंच पर इस प्रकार से निशान उठाकर यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। अब हल्का सा 0.5 इंच उतार कर इस तरह से आप यहाँ पर ड्राइंग मिला लीजिए। ये हमारा हो गया आस्तीन का मुंडा, और इस तरफ हमें रखना है आस्तीन की गुलाई 11 इंच। तो ये हमने 11 इंच पर एक निशान लगाया और 1.5 इंच की मार्जिंग बढ़ा दी। ये देखिए, यहाँ से इसे हम इस प्रकार से निशान उठा लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इस पर देखिए, यहाँ सेंटर से एक निशान इस प्रकार से उठाइए, और आगे की तरफ का गड्ढा जो कि हमें बड़ा करना पड़ता है तो इस प्रकार से मिला दीजिए, और यहाँ पर निशान उठाकर हम नीचे की तरफ कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर ऐसा हटा लीजिए। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, जिस पर ऑल का ऑप्शन आएगा वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो, देखिए दोस्तों, यदि हमारा एक वीडियो आप देख रहे हैं, जैसे इस प्रकार का वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद के वीडियो देखने के लिए आप हमारा जो लोगो आता है इसे दबा दीजिए। लोगो दबाने के बाद में यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन आएगा, उसे दबा दीजिए, और देखिए ये सारे वीडियो हमारे खुल गए हैं, जो कि हमारे 110 के करीब वीडियो डल चुके हैं। तो इस पर हमने कटिंग भी सिखाई है, आस्तीन डिजाइन भी सिखाई है, मशीन सुधारना भी सिखाई है। तो आप सभी वीडियो को देखने के लिए इस प्रकार से हमारे पूरे चैनल को खोल लिया कीजिए। जैसे मैंने खोला, वीडियो के ऑप्शन को दबाया तो पूरे वीडियो हमारे बाहर आ गए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।